हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फेस ट्रीटमेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसे हम वैम्पायर फेशियल भी बोलते हैं। क्या आपने वैम्पायर फेशियल के बारे में सुना है? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ खूबसूरत दिखने के लिए वैम्पायर फेशियल का इस्तेमाल करते हैं। PRP थेरेपी के जरिए त्वचा के खोए हुए टोन, टेक्सचर एंड प्राकृतिक चमक को वापस लाने में मदद मिलती है। अब देखते हैं ये प्रोसेस कैसे की जाती है। ये एक साधारण प्रक्रिया है, इसे करने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। प्रक्रिया करने से पहले फेस के जिस हिस्से में हमें प्रोसेस करनी है उस हिस्से में लोकल एनेस्थीसिया क्रीम अप्लाई करके 45 मिनट से 1 आवर तक उसे रखना पड़ता है। इसी बीच में हाथ के बड़े नसों में से 10-20 ml ब्लड निकाला जाता है और उसमें से रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा अलग किया जाता है। प्लेटलेट और प्लाज्मा को बहुत ही बारीक सुई का इस्तेमाल करते हुए त्वचा के भीतर डाला जाता है। इसे प्लेटलेट्स की वृद्धि के कारण कोलेजन की प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इस फेशियल को करने से आपकी स्किन काफ़ी यंग दिखती है। यदि आप फाइन लाइन्स, रिंकल से छुटकारा पाके बच्चों जैसी स्किन पाना चाहते हैं तो आप वैम्पायर फेशियल कर सकते हैं। अब देखते हैं वैम्पायर फेशियल के क्या क्या फायदे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, हम वैम्पायर फेशियल हमारी त्वचा की बनावट को बेहतर बनाता है। सेकेंड पॉइंट है, हम वैम्पायर फेशियल से हमारी त्वचा की इन्फ्लेमेशन कम होती है। थर्ड पॉइंट है, वैम्पायर फेशियल हमारे टिश्यू को रिपेयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वैम्पायर फेशियल करने से नए स्किन सेल्स को बढ़ावा मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है, ये कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सिक्स पॉइंट है, इस फेशियल की मदद से हमारी त्वचा टाइट एंड फर्म होती है। सेवन पॉइंट है, ये ट्रीटमेंट करने से डार्क सर्कल भी कम होते हैं। वैम्पायर फेशियल करने के बाद 5 घंटे तक आप फेस को ना धोए, उसके बाद आप फेस धो सकते हैं। वैम्पायर फेशियल 1 साल में 2 से 4 बार कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट करने के बाद 3 से 5 दिन में चेहरे पे ग्लो दिखाई देता है। अब देखते हैं इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो ड्रॉबैक्स में फर्स्ट पॉइंट है, ये थोड़ा सा पेनफुल है। सेकेंड पॉइंट है, वैम्पायर फेशियल करने के बाद स्किन में थोड़ी सी रेडिशनेस एंड थोड़ी सूजन लगती है। जैसे PRP फेस ट्रीटमेंट है वैसे ही हेयर ट्रीटमेंट भी सेम उसी की तरह है। इसमें स्काल्प में प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं और उसके पहले एनेस्थीसिया स्प्रे सब हेयर में अप्लाई करते हैं। ये थर्ड स्टेज थेरेपी है हेयर फॉल को रोकने के लिए या बाल्डनेस के लिए। ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के पहले हम ये ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं कि कितनी हेयर ग्रोथ है, उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।